जरूरी है। देश की दिशा और दशा, यह प्रोग्राम हमारा देश की दिशा और दशा बताने का एक सीधा और सरल प्रोग्राम है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ स्वामिनी और देश की दिशा और दशा प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ, जो कि आपको सच से रूबरू कराता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को वह चीज दिखाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं जो वास्तविक को बयां करती है। इस प्रोग्राम के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं एक वह ऐतिहासिक इंटरव्यू जो कभी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद और तब के एक जाने माने पत्रकार राजीव शुक्ला का वह 20 से 25 साल पहले का इंटरव्यू है। तब शायद मोदी जी को भी आभास नहीं था कि एक दिन वो भारत के मंत्र प्रधान बनेंगे और कुछ सिर फिरे उनके पढ़े लिखे होने पर संदेह करेंगे। हमेशा जीवन में सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य अकेला होता है और सदैव रहता है। झूठ हर बार मरता है, फिर दोबारा दूसरे अनेकों रूप में जन्मता है। सत्य ही मोदी है, मोदी ही सत्य है। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक है। कितना पढ़े हैं? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया, स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूलिंग स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, तो लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में पहला आ गया। लेकिन वो तो शायद संघ के संस्कार का हो या कुछ प्रेरणा का हो अपने अधिकारियों की, जिसके कारण कुछ न कुछ अपना विकास करने में लगे रहे। जब ये शास्त्र मेरे सामने आया तो मैं उसका पोटेंशियल समझ गया, कंप्यूटर इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और फिर तो उसमें मन इतना लग गया कि कभी रात को देर तक मैं इंटरनेट पर खोया रहता हूँ। बहुत सी सारी दुनिया की चीजों पर बुकशॉप में चला जाता हूँ। कंप्यूटर के अलावा आपके और शौक क्या है? मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ, मैं ट्रैकिंग करता हूँ। एवरेस्ट की हाइट है 29,000 फीट, मैं 23,000 फीट तक खोया। मैं कैलाश मानसरोवर पैदल करके आया। सुना कि आपने तमाम किताबें लिखी? हाँ, मैंने किताबें लिखी हैं। अभी भी मेरा लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूँ, लेकिन राजनीति में आने के बाद कुछ कम हो गया है। कितनी किताबें लिखी हैं? 6 किताबें मेरी प्रसिद्ध हो चुकी हैं और 3-4 किताबों का मटेरियल वैसे के वैसे पड़ा है। कभी समय मिल जाएगा तो मैं उसको भी कर लूंगा। कितने जितने पदाधिकारी हैं बीजेपी के, सबसे ज्यादा टिप टॉप स्मार्ट कपड़ों से, चश्मे से, पेन से, वेशभूषा से आप ही रहते हैं? सबसे रहता हूँ ऐसी बात है तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं रहना चाहता जरूर। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से रहना चाहिए। पार्टी की संस्कृति के थोड़ा विरुद्ध तो नहीं है? मैं क्योंकि सादगी जो है पार्टी में बड़ा जोर है। मैं मेरे शरीर पर कोई भी चीज आपको ऐसे नजर नहीं आएगी जिसमें सादगी ना। अच्छे तरीके से रहना, गंदे रहना, जूतों का पॉलिश नहीं किया है, कुर्ता ऐसा है, उसका मैं मेरे आदत नहीं, मैं बचपन से आदत है। लेकिन मैं मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी कोई महंगी चीज परचेज की है, कभी मेरे शरीर पर कोई महंगी चीज नहीं। लेकिन मैं साफ सुथरा धोया हुआ प्रेस किया हुआ पहनना मुझे अच्छा लगता है। आज इस इंटरव्यू का कोई मतलब नहीं होगा। किसी जमाने में मोदी जी अपना सच फक्र से कहते थे, लेकिन आज मोदी जी के इर्द गिर्द जो राजनीति गलियारा है वह इस सच को छुपाने का काम करता है। मोदी जी हमेशा सच के साथ रहे और सच का कभी उन्होंने दामन नहीं छोड़ा। आज के लिए देश की और देश की दिशा और दशा इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर।